एक ओर जहां प्रदेश की सरकार सुशासन कदम बढ़ती है, वहीं आज भी ना जाने कितने ऐसे मामले हैं जिस पर प्रार्थी कानून के चक्कर लगाते लगाते न्याय की उम्मीद तक खो देते हैं। ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है जनपद फतेहपुर के दाता थाना क्षेत्र के अंतर्गत अहमदपुर का, जहां पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। आपको बताते चलें, पीड़ित परिवार का बड़ा बेटा मणिपुर में भारतीय सेना में सेवारत है, जहां छोटे से विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट के चलते पीड़ित पक्ष के मुखिया की मृत्यु इलाज के दौरान हो गई। इस संबंध में संबंधित थाने में मुकदमा भी पंजीकृत है, जिसके चलते दो लोग सजा काट रहे हैं तथा दो लोग फरार हैं, जबकि फरार लोगों के लिए गैर जमानती वारंट भी जारी किए जा चुके हैं। पुलिस की लापरवाही के चलते आज भी दोषी फरार हैं। जब भी पीड़ित परिवार थाने में जानकारी लेने जाता है तो पुलिस प्रशासन भी टालम टोल करके प्रार्थी व उसके परिवार को गुमराह करने का कार्य करते हैं। शादी जी के पास वो हमारा सुनत नहीं है। तीन महीना से हम बहुत परेशान हैं। बच्चे हमारे दौड़ दौड़, यही छोटा वाला एक लड़का है दौड़े वाला, और को है नहीं है, और हमारे को सुनाई नहीं सुनता है। चाहे जौने अधिकारी के पास जाओ, कोई सुनते नहीं है। किस बात को लेकर परेशान है? मैं अपने मोरे आदमी का लाठी और फरसा से मार दी, सिर में बहुत ज़्यादा चोट आ गए। उनका तीन तीन बार ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन वो ठीक नहीं है। लास्ट में वो 28 जनवरी ख़त्म होगी। तो 28 जनवरी से क्या कर रही है? क्या पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की? हाँ हाँ, पुलिस उन दो औरतन का जहका हम वह कराए रहा ना FIR, और पैसा पुलिस ले है, यही की वजह से वो गिरफ्तार नहीं करा तही। इतना तो वही का नाम है मुख्तार अंसारी का ढूंढ है, मना इतना दिक्कत भाई हो जाती औरतन का, तो वह नहीं करा तही, दौड़ते नहीं है। क्या चाहती हैं आप? क्या कितनी समस्याएं हो रही हैं आपको, इसमें क्या दिक्कत है? पहली बात, जौन ये दुई औरतें हैं इनका हाजिर करें पुलिस वाले, चाहे जहां हुए दुनिया के जहां भी कोने में हुए, लड़के उन्हें ढूंढ के हाजिर करें। और दूसरी बात, मोरे गदयालन का जान से मारे के धमकी दी जाती, 608 उन्हीं के रिश्तेदार गाँव का प्रधान सुनील सिंह, इन सब धमकी दे थे। क्या कहते हैं ये लोग? कहते हैं एक घर ब्राह्मण है, हम इन्हें खदेड़ के मार आओ, गोली मार दे। अभी हमारे कई काले हैं। क्या नाम है आपको? मेरा नाम अनीता शुक्ला है। कहाँ रहती हैं? गांव में, रोज दरवाजे में। कौन गांव में रहती हैं? अहमदपुर कुसुम्भा। था कि नाली का छोटा सा विवाद था और पड़ोसी का था, कल्लू सिंह ठाकुर नाम है उसका, उसके पापा थोड़ी थोड़ी बात में उन्होंने झगड़ा कर दिया, पापा को लाठी डंडे फरसे से वार किया। FIR 4/12/2020 को दर्ज हुई धाता थाना में, वहाँ दर्ज होने के बाद इसके बाद पापा को हमने इलाज करवाया। इलाज के दौरान 56 दिन बाद उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद यहाँ पे धाता यासों ने हमें गुमराह किया, ना कोई ढंग से हमारी FIR नोट हो रही है, ना कोई मतलब कि जैसे विवेचना अधिकारी है वो हमें गुमराह कर रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे पिताजी को पूर्ण न्याय मिले। दो औरतें अभी फरार भी हैं और दो लोग जेल में हैं, जो फरार हैं वो उनका गिरफ्तार नहीं कर रही पुलिस। दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, दो लोगों को अभी फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। गांव के लोग, उन्हीं के परिवार और गाँव के लोग, ठाकुर बाहुल क्षेत्र है गाँव हमारा, हम लोग अकेले घर हैं, हमारा कोई मदद करने वाला है नहीं। किस कास्ट से? हम लोग ब्राह्मण हैं। और दूसरी बात, वो लोग ठाकुर हैं और हमें जान से मारने की धमकी देते हैं, पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं, हमें गुमराह करते हैं, विवेचना अधिकारी सही रूप से कोई कार्य नहीं कर रहा है। तो इससे हमें गांव में रहने और भय का आतंक बना रहता है 24 घंटे। क्या हमारा आज आए थे किसके पास? आज हम आए थे यहाँ DM साहब से, साध्वी निरंजन ज्योति से, दीदी जी से मिले, उन्होंने हमारी एप्लीकेशन स्वीकार की, बोले कि ठीक है हम देखते हैं, अब बाकी हम शासन के समक्ष हैं, हमारी मदद की जाए। भाजपा सरकार में अगर हमारी मदद नहीं हो रही तो अब किस सरकार में मदद होगी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक शुक्ला है। कहाँ रहते हैं? धाता थाना अहमदपुर कुसुम्भा, धाता थाना जिला फतेहपुर।